सर ये भी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. Good morning friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 16th August 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:44 हो रहे. जैसे कि आज फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे. आने वाले वीक में कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले वेनसडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. कल छुट्टी थी, 15th अगस्त था, तो ये एक पिक्चर है 14th अगस्त का आफ्टर मार्केट आर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा वेनसडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पर उसकी आई बटन में उसकी वीडियो लिंक आपको मिल जाएगी. तो वेनसडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,951 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,900. तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स हमारा फर्स्ट जो टारगेट था उसी के पास ओपन हुआ और टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ. तो हमारा जो ये ब्रेकआउट लेवल था यहाँ पर एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट किया. काफी देर तक यहाँ पर ये इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था और यहाँ से बाउंस बैक लेके ये ऊपर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ और हमारा फर्स्ट टारगेट 10,990 ये यहाँ पर अचीव हुआ और उसके बाद सेकेंड टारगेट 11,019 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ. और आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स भी इसी के पास ऑलमोस्ट आकर ये क्लोज हुआ है. तो वेनसडे के एनालिसिस ये प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 33,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था वेनसडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं क्विकली. यूएस मार्केट नासडैक कल हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ. हालांकि वेनसडे को देखे तो जबरदस्त यूएस मार्केट में फॉल दिखाई दिया था, थोड़ा सा रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है यूएस मार्केट. यूरोपियन मार्केट भी देखे तो सभी कल लाल निशान में बंद हुए थे. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी निक्के जापानीज मार्केट और चाइना मार्केट अभी फिलहाल हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर देखे तो अभी फिलहाल 136 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है. तो ओवरऑल अभी एशियाई मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं. लेकिन हालांकि वेनसडे को हमने देखा था कि जबरदस्त फॉल आया था यूएस मार्केट में. तो देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कहता है, क्या सजेस्ट करता है. तो सबसे पहले बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे वीकली चार्ट से. ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट. बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में ये जो बॉटम और टॉप को पकड़ के यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था उसका ये जो 50% का लेवल जो है 28,000 साइकोलॉजिकल लेवल के पास आ रहा है, इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है. इसको लास्ट वीक में इसने ब्रेक किया था, हालांकि वीक खत्म होते ये फिर से रिकवर हुआ और 50 का ये जो लेवल था 28,000 इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ. आप लास्ट तीन ट्रेडिंग सेशन से देखते हैं, ये फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था मतलब प्रीवियस टू वीक्स का, यहाँ पर इसने एग्जैक्ट 28,000 को यहाँ पर अचीव किया और सपोर्ट टेस्ट किया. नेक्स्ट वीक इस लेवल को ब्रेक किया, पेनेट्रेट किया, नीचे की तरफ आया, लेकिन हालांकि वीक क्लोज हुआ 28,000 के ऊपर आकर. यानी ये सेकेंड वीक भी इस लेवल को पेनेट्रेट किया था और ऊपर ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है ये अभी हर्डल का काम कर रहा है. ये जो कि अभी अराउंड 28,491 के पास है, ऑलमोस्ट 500 के पास. तो 28,500 फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है, हर्डल है ऊपर जाने के लिए. और अभी ये तीसरा वीक है ये कंटिन्यूस 28,000 के पास एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है. तो अभी इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो हमें टूवर्ड्स और भी साउथ की तरफ मूव होता हुआ दिखाई देगा. और आज अगर ये 28,000 के ऊपर यहाँ पर क्लोज होता है तो चांसेस है कि ये 50 EMA को भी ब्रेक करे और 50 EMA के ऊपर अगर कोई डिसीजिव मूव आती है तो ये हमें फिर से एक बार अपसाइड मूवमेंट यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स दिखा सकता है. तो ये है अभी फिलहाल वीकली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं डेली चार्ट में बैंक निफ्टी के. यह बैंक निफ्टी का डेली चार्ट. अभी इसे देखे तो डेली चार्ट में यहाँ पर बुलिश हरामी टाइप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है. निफ्टी और बैंक निफ्टी का काफी सिमिलर होता है चार्ट, सिमिलर पैटर्न होता है. तो यहाँ पर हमने देखा था कि हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था.
हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद में ये पिवट बार रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। और लाइन चार्ट में अगर हम यहाँ से लाइन चार्ट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, ये डबल बॉटम। और अभी इसके बाद फिर से बुलिश हरामी, ये बुलिश सिग्नल्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन जो डिसीजिव मूव चाहिए वो हमें 20 ईएमए के ऊपर आना यहाँ पर बहुत जरूरी है। 20 ईएमए के ऊपर अगर डिसीजिव मूव आती है तो ये अपसाइड मूव यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है, और अगर नहीं तो ये फिर अगर ये जो लो बनाया है 27,400 के पास ये अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पर बुलिश हरामी या कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है जो कि बुलिश साइन है, तो इमीडिएट अगर यहाँ से ये वेनसडे का ये जो सॉरी ट्यूसडे का ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है इसका अगर हाई अगर ब्रेक करता है यानी 28,350 के ऊपर तो फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा ये 20 ईएमए का पिंक लाइन जो कि अराउंड 28,735 के पास है अभी, तो यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस तो इसको यहाँ 28,350 को पार करना होगा। वीकली चार्ट में देखा 28,500 पे 50 ईएमए का ब्लू लाइन आ रहा है तो वहां पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद ये जो पिंक लाइन है 28,735 के पास आ रहा है तो ये यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स, तो लेट्स सी यहाँ से आगे क्या होता है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये निफ्टी का वीकली चार्ट हमने देखा, यहाँ पर 100 ईएमए को एज अ सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखा रहा है, तो अभी देखना ये होगा ये 23.6% के ऊपर 11,000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है इसके ऊपर इस वीक में क्लोज होता है या नहीं। लास्ट वीक 11,000 के ऊपर क्लोज हुआ था लेकिन अभी फिलहाल एक दिन बाकी है, सो क्या होता है आज देखते हैं। 11,000 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये जो ब्लू लाइन है 50 ईएमए का एज पर वीकली चार्ट 11,200 के पास आ रहा है, इसके ऊपर जाने की ये कोशिश फिर कर सकता है और इसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल सकता है कि यहाँ से अपसाइड मूव आ सकता है। तो ऊपर में 11,200 ये रेजिस्टेंस का लेवल है और नीचे 10,780 के पास ये जो 100 ईएमए का लाइन है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इस दायरा है, इस दायरे के बीच में कुछ दिन कंसोलिडेट भी हो सकता है निफ्टी इंडेक्स, तो देखते हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी अगर आप देखें सेम बैंक निफ्टी जैसा यहाँ पर भी बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो चुका है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो यहाँ से अगर अपसाइड मूव आता है तो पहला तो ये हर्डल होगा 20 ईएमए का जो कि अराउंड अभी 11,150 के पास है। दो दिन पहले मंडे को भी हमने देखा था यहाँ पर ये सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस फेस करके टूवर्ड्स फिर से साउथ की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये फिर से एक बार ये हर्डल का काम कर सकता है। अभी ये 11,150 के पास है ये 20 ईएमए, तो इसके ऊपर अगर डिसीजिव मूव आता है तो यहाँ से अपसाइड मूव और भी एक्सटेंड होने को हम देख सकते हैं। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यह है निफ्टी इंडेक्स का 60 मिनट का चार्ट। अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो ऊपर में प्रीवियस डे का हाई फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद ये R1 का रेजिस्टेंस है वहां पर ही 100 ईएमए भी आ रहा है, तो इस लेवल को यानी 100 ईएमए को कंफर्टेबली इसे ब्रेक करने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं। यानी 11,092 के ऊपर अगर सस्टेन होता है कंफर्टेबली तो ही इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं हम, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,120, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,157, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये जो यहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिखाया था, ये जो अपसाइड मूव आया था वेनसडे के दिन, तो यहाँ से एक करेक्ट हुआ था और फिर बाउंस बैक मूव दिखाया था, तो यानी 11,000 को अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा क्विकली एक फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 10,980, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,957, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
तो अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।